गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग कैसे हैं आप सभी आई होप सब अच्छे होंगे सो so फ्रेंड्स आज दिन है रविवार का तारीख है सोलह दिसंबर टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं नौ तो आज संडे था छुट्टी का दिन था तो एज़ यूजुअल आंखें जो है ना लेट ही खुली तो जाना कहीं नहीं था इसी वजह से जो है ना उठना भी नहीं हुआ तो मतलब सुबह आँख खुली थी पहले साढ़े पाँच बजे के आसपास आंखें खुली थी लेकिन बस वही है कि हाँ फिर उसके बाद जो है ना मतलब दोबारा से सोने का मन कर गया अब ये था कि कहीं जाना तो था ही नहीं तो ये लगा कि चलो दोबारा सो ही जाता अब जो ब्लैंकेट वगैरह थे वो तो तय कर दिए थे लेकिन अभी जो है ना उर्वी सोई हुई थी वहीं पर तो अभी बेडशीट नहीं झाड़ी है तो बस यहाँ पर एक फ्लॉट जो मशीन का लगाया हुआ था वो भी बोल गया था उसका बजर तो बस यहाँ पर छोटे छोटे से जो भी कपड़े थे अब टप में जो है ना आर का जो वेस्ट पानी था वो इकट्ठा हो गया था तो छोटे से जो भी जुराबे वगैरह जो भी थी ना उनको मैंने इसमें खंगाल दिया है और इनको जो है ना डाल रही हूँ सुखाने वाले में तो हैंड टू हैंड ही सुखाने वाले में पानी भी चला दूंगी तो इससे जो छोटे छोटे से कपड़े जो है ना इसमें सूख जाएंगे मतलब खंगल भी जाएंगे और सूख भी जाएंगे तो इससे मेरा एक बार का काम तो आसान हो ही जाता है अब कपड़े धोने का ये मेरा बेस्ट तरीका है कि जब भी छोटे कपड़े तो इसी में खंगाल देती हूँ छोटे कपड़े ना ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर बाथरूम में अंदर ले जाने की तो बस यहाँ पर जो है ना ये पानी भी थोड़ा सा यूज़फुल हो ही जाएगा क्योंकि मैंने बर्तन वगैरह अभी नहीं धोने हैं तो बस इसी वजह से ये पानी ना अभी आर जितनी देर चलेगा उतनी देर वेस्ट पानी तो निकलेगा ही तो जी बस यहाँ पर देखिए मैंने पाइप लगा दिया है इसमें और पानी आ गया है तो इसमें कपड़े अच्छे से खंगल जाएंगे क्योंकि अभी प्रेशर का पानी जो है ना आया हुआ है तो बस एक पूरा राउंड मैं इसमें घुमा दूंगी और ये कपड़े जो है ना खंगल भी जाएंगे अच्छा इधर काव्या को बोल दिया नहाने के लिए तो काव्य नहाकर आ गई है अब इसको जो है ना रेडी करना है मुझे और कपड़े वगैरह जैसे गर्म होते हैं ना तो मोटे वाले कपड़े होते हैं स्वेटर वगैरह तो ये इनसे पहने नहीं जाते तो कई बार मुझे हेल्प करनी ही होती है तो बस और तो पहन भी लेती है लेकिन काव्य नहीं पहन पाती है अभी ये छोटी है तो मोटे कपड़ों में थोड़ी सी दिक्कत होती है धैर्य को और इसको पहनने में अच्छा सुबह सुबह इसलिए निला दिया क्योंकि कपड़े जब धुल रहे हैं तो साथ के साथ ही धुल जाएंगे और इनको धूप भी मिल जाएगी मतलब ऊपर जाके धूप में खेल लेंगे कुछ देर तो ये हो जाएगा कि मेरा काम भी ख़त्म हो जाए क्योंकि अब आदत हो गई है ऐसी कि मतलब ये नहीं होते हैं तभी मेरा काम आसानी तो से होता हो गया है, है। करीब सवा नौ देखो नौ पच्चीस हो रहे हैं ऊपर देखो वहाँ पे और आज जो है ना इतना लेट हो गया है नाश्ता वैसे तो हाँ नौ रोज़ तो जल्दी हो भी जाता है नाश्ता लेकिन आज इतना लेट हो गया बहुत ज़्यादा अब अब नाश्ता कर रहे हैं हम लोग और अभी अभी बस चाय बनी है कपड़े बच काव्या नहा है बस और उर्वी भी नहा है धैर्य नहीं नहाया काव्य तू ली हेलो बोलो क्या हेलो गाइस गाइस हेलो कह रही है वो नहाया नहीं है अभी देखो और बिना नहाए खा रहा है क्या खा रहा है क्या खा रहा अनार।, अनार खा रहा है अच्छा अनार खा रहा है और आज नाश्ते में ना हमारे लिए बहुत कुछ आया है तो ये है समोसे ये देखो समोसे आए हैं आज ये नाश्ता है समोसे हैं और नमकीन है ये देखो आ, समोसे हैं नमकीन है और चाय है चाय भी बन गई तो जितनी लेट नाश्ता हो रहा है ना उतना अच्छा नाश्ता हो रहा है आज बढ़िया नाश्ता हो रहा है तो आइए आप लोग भी खा लीजिए तो जी नाश्ता वगैरह हो गया इधर कपड़े सुखा दिए अब बस देखो यही कपड़े थे क्योंकि कल बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे अब ये जो है ना कल और आज के कपड़े मतलब लगा लो दो दिन के कपड़े हैं ये और मैंने बच्चों के बैग्स वगैरह भी मतलब धो दिए हैं तीनों के ही जो स्कूल बैग थे ना वो भी आज धो ही दिए मैंने साथ में देखो वहाँ सूख रहे हैं और ड्रेस वगैरह थी ज़्यादा कपड़े थे नहीं तो बस अभी आ गई हूँ नीचे तो फटाफट से यहाँ पर लगा रही हूँ झाड़ू तो पहले झाड़ू लगाऊँगी उसके बाद जो है ना आज मैंने सोचा है कि आज मैं करूँगी बाथरूम की क्लिनिंग बहुत से हुई नहीं है सोचा बहुत था लेकिन वो नहीं हो पाई थी लेकिन आज सोच रहे हैं कि जब लग रहा है ना कि आज ज्यादा ठंड है नहीं तो ये लगा कि मतलब कर ही देती हूँ लगे हाथ उससे पहले जो भी काम है मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के वो निपटा देती हूँ क्योंकि फिर पानी हो जाता है फिर झाड़ू लगानी बहुत मुश्किल हो जाती है तो बस इसलिए पहले मैंने जो भी पानी के काम थे यहाँ पर बर्तन थे सिर्फ नाश्ते वाले तो लंच वगैरह खाना कुछ नहीं बनाया है आज तो बस यहाँ पर जो नाश्ते के बर्तन थे बस वही थे उनको हैंड टू हैंड ही साफ कर दे रही हूँ बस यहाँ पर गैस को भी क्लीन कर देना है और गैस को मांजना इसलिए पड़ता है कभी कभार ये होता है कि जैसे चाय वगैरह बिखर जाती है ना तो ये होता है कि फिर गिर जाती है और कपड़े से उतनी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है तो इसीलिए मेरे को लगता ये है कि मैं इसको साफ ही कर देती हूँ तो ये साफ़ ही हो जाएगी मंज जाएगी अच्छे से तो बस यहाँ पर जो है ना सारा पानी जो भी है ये छोटा वाइपर लाए हुआ है तो इसको अच्छे से क्लीन कर दिया यहाँ से किचन कंप्लीट हो गई है अब यहाँ बाथरूम में आ गई हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले आज मुझे बाल्टियाँ वगैरह साफ़ करनी थी तो बाल्टियाँ वगैरह बहुत दिन हो गई हुई नहीं थी ना तो आज यही लगा था कि जब मन में आ जाता है ना आपके जैसे सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि आपके मन में क्या क्या ख्याल आता है कि क्या क्या काम आज आपको निपटाने हैं तो बस उन्हीं में एक काम था कि बाल्टियाँ वगैरह भी मुझे साफ़ करनी है और ये बाल्टियाँ वगैरह ना से तो गंदी नहीं थी लेकिन ये है कि अगर साफ होती रहे ना तो इनकी जो क्लीनिंग है वो बनी रहती है और बस ये होता है कि हाँ ज़्यादा गंदी नहीं होती अब ये स्टील वाली जो बाल्टी है ना ये तो जितना धो लो उतना चमकती है और इसको करीब दस साल हो गए हैं लेकिन अभी तक ये बिल्कुल एज इट इज है कोई मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है तो बस यहाँ पर जो फ्लोर है ना उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी और साबुन वगैरह रगड़ के ना इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी लास्ट वाली बाल्टी को धोंगी बाद में तो पहले जो है ना बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर दिया बस लास्ट वाली जो बाल्टी है उसको भी धो दिया है अच्छे से अब बाथरूम एज इट इज़ हो गया है जैसा पहले था तो बस यहाँ पर जो है ना फटा फटाफट से पोछा लगाने की आ गई है बारी अब यहाँ पोछे में थोड़ा सा डाल रही हूँ सर्फ क्योंकि सरफ से पोछा लगाते तो बहुत अच्छा होता है और ये जो है ना मतलब बच्चे फिर से आ ही गए थे इतने मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ इतने में तो धूप से खेल के आ ही गए थे आने में प्रॉब्लम कुछ नहीं थी लेकिन मुझे पंखे ऑन करने थे जब मुझे पोछा लगाना था और ये बच्चे आज है नहाए हैं तो मैं नहीं चाहती कि इनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आजकल जो है ना बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो नहाकर सीधा बच्चे अगर पंखे के नीचे आ जाते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा जल्दी ठंड लग जाती है उनको तो इसी वजह से मैंने सोचा था कि जब तक ये पोछा वगैरह ना लग जाए ना तब तक ये नीचे ना आए मतलब ऊपर ही रहें तो जी बस यहाँ पर काम सारे ख़त्म हुए और मैं भी रेडी हो गई हूँ अभी यहाँ पर जो है ना आज पहना है ये वाला शरारा अब आज जो है ना मैंने बनाने हैं करेले की सब्जी <coughs> तो करेले की सब्ज़ी बनानी है और करेले ना मैंने धोकर सुखा दिए थे मतलब काट कर अच्छे से धूप में सुखाए हुए थे बहुत देर से इनफैक्ट कल से ही सुखा दिए थे और बस उनको आ, बनाना था मुझे तो बस मुझे कोई ऑप्शन मिला नहीं एक्चुअली में मैं बनाना नहीं चाहती थी मेरे को ये लगा था कि मैं कोई चावल वगैरह या कुछ भी बना लेती हूँ लेकिन मुझे लगा अगर मैं इनको बना लूँगी ना तो थोड़ा ठीक रहेगा और यहाँ जो है ना फेस आज थोड़ा बहुत ज़्यादा रूखा रूखा सा लग रहा था तो जी बस डायरेक्टली मिल रही हूँ आप सबको किचन में तो यहाँ जो है ना करेले ना बनाने की कर ली थी तैयारी अब करेलों को नीचे लाई उनको अच्छे से धोया और फिर उसके बाद जो है ना उनको तलने के लिए छोड़ दिया यहाँ पर अब फटाफट से इनको पहले फ़्राई करूंगी और इधर ये देखो प्याज काट ली थी करीब आठ से दस प्याज मैंने इसमें कट कर ली थी और करेले का कलर जो है ना अब थोड़ा सा चेंज होता आ रहा है क्योंकि बहुत जल्दी से मुझे अच्छे से भुनना था इनको अब यहाँ पर बहुत अच्छे से भून गए हैं ये तो अब इनको मैं निकाल दूंगी अलग से प्लेट में इनको निकाल दूंगी फिर उसके बाद करूंगी प्याज को फ्राई तो यहाँ इनको अच्छे से निकाल दिया है और जब तक करेले अच्छे से फ्राई नहीं होते ना तब तक गलते भी नहीं है चाहे फिर बाद में हम इनको बनाने में कितने भी गला लें लेकिन उस टाइम पे गल नहीं पाते हैं तो यहाँ जो है ना हल्का सा तेल और डाला मैंने और फिर इसके बाद मैं इसमें प्याज ऐड करने वाली हूँ तो प्याज़ भी अच्छे से भूनी जाएंगी बिल्कुल फूकनी नहीं है मतलब बिल्कुल जलानी नहीं है बिल्कुल नॉर्मल सी रखनी है और लाइट ब्राउन ही रखनी है तो जब तक ये लाइट ब्राउन होंगी ना तब तक मैं इनको जो है ना अच्छे से भूनूंगी और यहाँ जो है ना जब प्याज भुन जाती है ना तो मैं साथ के साथ करेले एक बार फिर से इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से फिर से भुन जाएँ अब यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया तो मैंने इसमें करेले भी ऐड कर दिए और अब दोनों चीज़ों को अच्छे से कुछ देर तक भूनूंगी और यहाँ आप दोनों चीज़ों को निकाल दिया है और उसके बाद जस्ट इसमें जोड़ा सा तेल डाला है और उसके बाद मैं इसमें जो भी थोड़ी बहुत प्याज है वो डालूंगी और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें टमाटर और ये दो तीन हरी मिर्ची कट की हुई थी इनको डाला है फिर उसके बाद जाएंगे सूखे मसाले सूखे मसालों में जाएंगे नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया तो सारी चीज़ें ऐड करूँगी तो यूजवली मैं हल्दी कभी नहीं ऐड करती हूँ इसमें करेले की सब्ज़ी में लेकिन आज मैंने थोड़ा सा नया कुछ ट्राई किया मैंने सोचा कि हल्दी अगर डाल के देख लेते हैं कैसी लगती है लेकिन इतना टेस्ट बिल्कुल भी बेकार नहीं हुआ बहुत अच्छा लग रहा था टेस्ट अब जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया है ना तो मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए हैं प्याज भी ऐड कर दी है हैंड टू हैंड ही तो जी बस यहाँ पर जो है ना ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई हैं तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से इनको भूनने के बाद ना फिर इसको कुछ देर तक पकाया ढककर ताकि ढककर अच्छे से पक जाए फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था आमचूर तो एक चम्मच करीब आमचूर मैंने इसमें ऐड किया था आमचूर से बहुत फ़ायदा होता है कि अमचूर से कड़वे नहीं लगते हैं करेले बहुत टेस्टी लगते हैं तो जी बस सब्जी बन गई है तो बस यहाँ पर फटाफट से बनानी है मुझे रोटियाँ और रोटियाँ बनानी है फिर उसके बाद मुझे लेने जाना है उर्वी को और उर्वी गई है ट्यूशन क्योंकि उसका कल एग्ज़ाम है तो आज भी वो संडे को ट्यूशन गई है तो मैं उसको जाऊँगी लेने और यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ सेक कर जाऊँगी क्योंकि आकर हम सब आराम से बैठ के खा लेंगे तो जी वीडियो यहीं तक था आज का वीडियो भी यहीं पर एंड करते हैं वीडियो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर